हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी ही बेहतरीन रेसिपी, कढ़ी पकोड़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी कढ़ी। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा बर्तन। अब इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम बेसन और इसी के डबल हम इसमें ऐड कर देंगे 500 ग्राम दही। बस आपको यही मेज़रमेंट रखना है, जितना बेसन उसके डबल हम दही कर देंगे। 2 चम्मच हम यहाँ धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। बस अब हम इसको घोल बना लेंगे, इसका एक पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे हम इसको। एकदम पतला घोल तैयार करना है। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से घोलेंगे ताकि हमारे बेसन में गुठलियाँ ना रहें। अच्छे से बेसन को घोल देंगे हम दही के और पानी से, बढ़िया मिला देंगे इसको। ये देखिए कुछ ऐसे, और लगभग हम इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी हमारा आराम से डल जाएगा। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब जब हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 से 3 तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायची। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए हमारा तेज़पत्ता तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने 1/2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना कढ़ी की जान होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया 1/2 चम्मच लगभग, और अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें 1/2 चम्मच लगभग राई ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम करेंगे इसमें ऐड हींग। तो यहाँ पर ये हमारा खड़ा मसाला एकदम बढ़िया भुन गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें लंबा कटा हुआ बारीक प्याज और इस प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारा प्याज सुनहरा रंग ना हो जाए। सुनहरा ना हो जाए हमारा प्याज तब तक भूनेंगे इसको। ये देखिए हमारा प्याज बढ़िया सुनहरा हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना घोल बेसन का जो हमने कढ़ी के लिए तैयार किया है। एकदम बढ़िया कलर आया है ना कढ़ी का, ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम चलाते रहेंगे। तब तक चलाएंगे इसको हम जब तक कि हमारी कढ़ी में एक उबाल ना आ जाए अच्छे से। इसको छोड़ना नहीं है वरना कढ़ी तले में लग जाएगी और बाहर भी उबल सकती है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और इसको हम ढककर रखेंगे लगभग अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। हमें इसको पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा सा कवर करना है, थोड़ा सा हम इसको खुला छोड़ देंगे ताकि हमारी कढ़ी बाहर ना निकले। कम फ्लेम रखना है हमें गैस का, ऐसे हम इसको खुला छोड़ देंगे थोड़ा सा। ये देखिए अब हम इसमें नमक डालना तो भूल ही गए थे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच नमक। अब भाई नमक के बिना हमारी कढ़ी कैसे बनती, कढ़ी का टेस्ट कैसे आता, तो आप इसमें पहले भी नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी को थोड़ी देर हमने ढककर रख दिया है। अब कर लेते हैं हम अपने पकौड़ों की तैयारी। तो चलिए यहाँ पर 1 कप हमने बेसन डाल दिया है और यहाँ पर डाला है फाइन 1 कटा हुआ प्याज बिल्कुल बारीक, और यहाँ पर 1 हरी मिर्च हमने काट के डाली है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया कटा हुआ और 2 चम्मच हमने डाले हैं यहाँ पर दही। तो अब क्या है ना कि इससे पकौड़ों का टेस्ट और भी अच्छा आएगा दही से। थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल दिया है जीरा और अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हम यह पकौड़ों के लिए बना रहे हैं, तो इसको मीडियम ही हमें तैयार करना है। मीडियम बिल्कुल ना पतला, थोड़ा पतला और ना ही गाढ़ा ज़्यादा। इससे क्या है ना, मीडियम रखेंगे तो पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी बिल्कुल थोड़ा सा डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। और अब हम इसको रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए।
और अपनी कढ़ी भी चेक करनी है भाई। कढ़ी हमारी ये देखिए पककर बढ़िया एकदम तैयार हो गई है। अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे अपने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जी हाँ, जो कि हमने दरदरा पीसा हुआ है। इसका स्वाद एकदम ही अलग आता है, तो आप भी लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को दरदरा पीस कर ऐड कर दीजिए इसमें और अपना इसको करेंगे मिक्स अच्छे से, ताकि जो कढ़ी के साथ हमने मसाले डाले हैं अपने अभी अच्छे से मिल जाएं। अच्छे से चलाएंगे उसको हल्के हाथों पर। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो, और ये देखिए बढ़िया हमारा एकदम से पक गया है कढ़ी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि हमारे जो जो लहसुन और अदरक, हरी मिर्च हमने डाली है उसका कच्चापन निकल जाए। तो चलिए इतने हमारी कढ़ी पक रही है, अपने पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ पर ली है हमने एक कढ़ाई, इसमें डाला है हमने थोड़ा सा, 1 कप लगभग सरसों का तेल, आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हो गया है क्या। बढ़िया गर्म हो गया है हमारा तेल, तो अब हम इसमें अपने पकोड़े तल लेंगे। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई करेंगे तो पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए अब लगभग सुनहरे होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा काले नहीं करने हैं, सुनहरे करने हैं, हल्का सुनहरा। देखिए बढ़िया हमारा सुनहरा रंग आ गया है पकोड़ों का, ये देखिए एकदम लाजवाब पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको अपनी कढ़ी को चेक करेंगे, ये देखिए कढ़ी एकदम पक गई है बढ़िया, अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी कढ़ी में से। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पकोड़े, हल्के ठंडे हो गए थे हमारे पकोड़े, हमने इसको डाल दिया है कढ़ी के अंदर और अब हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे अपनी कढ़ी को। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 1 मिनट काफ़ी है। ये लीजिए पक गए हैं 1 मिनट हमारे पकोड़े कढ़ी के साथ, और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तो यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी लिया है, 2 हमने लाल मिर्च साबुत और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलिए ये हो गई है हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार। ये देखिए क्या बढ़िया हमारी कढ़ी बनी है। आप इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर बनाइए, बिना झंझट के स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरी रेसिपी समझा दी है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्या पकोड़े हमारे एकदम सॉफ्ट बने हैं, एकदम सॉफ्ट पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए आप इसको एंजॉय कीजिए रोटी के साथ, चावल के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, थैंक यू।